हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं मेरा चैनल होम टेक 23। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को ये बताने वाला हूं दोस्तों कि अगर हमारे मिक्सर मशीन के जार के दोस्तों ब्लेड बेकार हो जाते हैं तो हम उसे किस तरह से दोस्तों चेंज करेंगे और किस तरह से दोस्तों उसके बदलेंगे। वीडियो में अंत तक लगे रहिए दोस्तों, उसको ज़रा सा भी स्किप ना करें, तभी आप लोगों को समझ में आएगी। दोस्तों, दरअसल में ये दोस्तों जार है मेरे पास में रिपेयरिंग के लिए आया है दोस्तों, तो उन्होंने बताया था कस्टमर ने कि इसके ब्लेड काम नहीं कर रहे हैं, तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आपको इसके ब्लेड कैसे बदलना है दोस्तों, और मार्केट में आपको कितने के इसके ब्लेड दोस्तों मिल जाएंगे। ये देखिए, मैं आपका कीमती समय ना ख़राब करते हुए आपको मैं लेकर चलता हूँ टॉपिक की तरफ। ये देखिए दोस्तों, नीचे की कपलिंग जो है ये मैंने कपड़े की मदद से पकड़ ली है, और दोस्तों प्लास की मदद से देखिए हमें इसके ऊपर वाले स्क्रू को दोस्तों खोलना है। इस चीज़ का आप ध्यान रखें दोस्तों। ये देखिए, मैं आपको खोल के दिखा रहा हूँ और आपको लगा के भी दिखाऊंगा। देखिए ब्लेड बाहर निकल चुके हैं। अब दोस्तों मैं आपको नया वाले ब्लेड लगा के दिखा रहा हूँ, और दोस्तों अगर आप मार्केट से इस ब्लेड को लाओगे तो आपको 15 रुपये में दोस्तों मिल जाएगा ये। और दोस्तों अगर यही काम आप किसी मैकेनिक से कराओगे तो आपसे अच्छे खासे पैसे दोस्तों इसके ले लेगा। ये देखिए, इसका ब्लेड मैंने लगा दिया है। अब दोस्तों इसके ग्रुप देख रहा हूँ कौन सा वाला ब्लेड इसमें मैच करेगा। दोस्तों दो ब्लेड है मेरे पास में, ये दोनों में से कोई ना कोई सा दोस्तों इसमें लग ही जाएगा। और दोस्तों एक वीडियो बनाने में बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों, और घंटी वाले बटन पर दोस्तों प्रेस कर दें। ये दोस्तों क्या है कि इसके ब्लेड के तो जो दोस्तों पर हैं वो थोड़े हमारे टच हो रहे हैं नीचे, तो हमें ये देखना, ब्लेड टच नहीं होने चाहिए। तो आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं प्लास से। अगर टच हो रहे हैं तो थोड़ा ऊपर कर दें, और ज़्यादा ऊपर हैं दोस्तों तो थोड़ा नीचे भी कर सकते हैं इसको। क्या होता है कि अगर ब्लेड हमारे ज़्यादा ऊपर रहेंगे दोस्तों तो वो ठीक से पीस नहीं पाएंगे, तो मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिए हैं। देखिए, तो दोस्तों अब इसको आपको उसी प्रकार से टाइट कर देना है, और इसमें कोई भी दिक्कत दोस्तों नहीं है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जय हिंद, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।